वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो बॉटनी का पोर्शन है, ठीक है। बॉटनी का पोर्शन जो है बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने एक यूनिट जो आपका फर्स्ट यूनिट था उसको पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की, ठीक है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो हम यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण लिखिए। क्या करना है, टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण लिखना है तथा इनका वर्गीकरण भी दीजिए, सामान्य लक्षण और इनका वर्गीकरण भी आपको लिखना है, या टेरिडोफाइट का वर्गीकरण स्पोर्न के अनुसार कीजिए। स्पोर्न के अनुसार आपको क्या करना है, टेरिडोफाइट का जो है वर्गीकरण करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेरिडोफाइट, इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में हमने जाना था कि ये जो पादप जगत के पौधे होते हैं, सबसे छोटे पौधे होते हैं, तो इसमें क्या था, इनका जो शरीर था या इनका जो पौधा था वो जड़ तना पत्ती तीनों में इनका विभाजित नहीं था, किसका, ब्रायोफाइट का, ठीक है। ब्रायोफाइट का क्या था, जड़ तना और पत्ती, ठीक है, इनमें बटा हुआ नहीं था। लेकिन अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है टेरिडोफाइटा। तो इसमें क्या होगा, टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसका जो पौधा होगा वो जड़ तना और पत्ती में विभाजित होगा, पत्ती में, यानी कि इसमें आपको जड़ तना पत्ती तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ये जो आपका वर्ड है क्या है, टेरिडोफाइटा, क्या है आपका, टेरिडोफाइट। तो यहां पर अगर हम टेरॉन की बात करें, जो शब्द आपका टेरिडोफाइट है, PTERIDOPHYT, टेरिडोफाइट अगर हम शब्द की बात करें तो ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, टेरॉन, TERON, टेरॉन, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका टेरॉन का मतलब होता है आपका फैदर, क्या, फैदर, जैसे पंख जानते हैं ना पक्षियों के पंख, ठीक है। दूसरा क्या रह गया आपका, फाइटॉन रह गया, क्या रह गया, फाइटॉन, PHYTON, फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट्स, क्या, PLANTS, प्लांट्स यानी कि पौधा, ठीक है। तो कैसा पौधा, ऐसा पौधा जिसके जिसके जो पत्तियां होती है वो किसके समान हो, वो आपकी पंखों के समान हो, ठीक है, पक्षियों के जो पंख होते हैं उसके समान इनकी जो है पत्तियां आपकी कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है, ठीक है, इस तरह से सुंदर सुंदर पत्तियां जो है इनमें पाई जाती हैं, ठीक, कुछ इस तरह की पत्तियां मोर के पंख के समान इनमें जो है पत्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर पत्तियां। तो ये कैसे हो जाते हैं भाई, पंख जैसी पत्तियों वाले पौधे आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं इनमें फल और फूल, इनमें फल और फूल आपके नहीं पाए जाते, ठीक है, फल फूल और बीज आपके जो है नहीं पाए जाते हैं, इनमें लिख गया पुष्प और बीज का अभाव होता है, क्या होता है, पुष्प और बीजों का जो है अभाव होता है, ठीक है, पुष्प और बीजों का अभाव होता है। और ये कैसे होते हैं, संवहनी पौधा होता है, कैसा होता है, संवहनी पौधा, संवहनी मींस इनमें आपके वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज, जो आपके होते हैं जाइलम, जाइलम और फ्लोएम। अब आप समझ गए होंगे ना जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ठीक है। और ये हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं,
तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के कुछ सामान्य लक्षणों की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि टेरिडोफाइटा मतलब वर्ग जो शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, टेरॉन जिसका मेन मतलब होता है फैदर या पंख, फाइटॉन मीन्स पौधा यानी कि पंख के समान पत्तियों वाले पौधे आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और इन पर आपका जड़ तना पत्ती तीनों आपके अलग अलग विभाजित रहते हैं। इनमें बीज और फूल, ठीक है, पुष्प और बीजों का अभाव होता है, इनमें आपको बीज और पुष्प नहीं देखने को मिलते हैं। और ये आपका संवहनी पौधा होता है। कैसा होता है? संवहनी पौधा होता है, इतना हमने जान लिया। अब हम इनके सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। नंबर एक, मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है? स्पोरोफाइट यानी कि स्पोर्स का उसमें फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। जड़ तना पत्तियों में विभेदित रहता है, जड़ तना पत्ती तीनों आप उसको देख सकते हो, ठीक है, जड़ भी होगी तना भी होगा और पत्तियां भी होगी। दूसरा कह रहा है अधिकांश स्थलीय होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं? स्थल होते हैं, ठीक है, यानी कि भूमि पर पाए जाते हैं। जो मॉइस्ट एवं शेडी प्लेस पर उगते हैं, छायादार और नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, वो भी नम और छायादार स्थानों पर पाए जा रहे थे, और ये भी आपके नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, कह रहा है। लेकिन कुछ कुछ मेंबर्स जैसे आपका एजोला हो गया, मार्सिलिया हो गया, साल्विया हो गया, ये जलीय होते हैं। ये आपके क्या है? ये आपके टेरिडोफाइटा के हैं, लेकिन ये कैसे हैं आपके? जलीय है। ये आपको याद रखना है, क्या क्या? एजोला, मार्सिलिया, साल्विया। एजोला, मार्सिलिया, साल्विया, ये आपके कैसे होते हैं? जलीय। और आपके मोस्टली कैसे होते हैं? मॉइस्ट और शेडी प्लेस में उगते हैं, ठीक है, नम और छाया वाले स्थानों पर। ये आपके तीन चार हैं जो आपको याद रखना है, एजोला, मार्सिलिया और आपका साल्विया। थर्ड अगर हम बात करें तो जनरली पत्तियां आपकी स्केली स्मॉल सेसाइल होती हैं। स्केली मतलब जिसमें आपके स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें आपके स्केल्स पाए जाते हैं। स्मॉल मतलब छोटी होती हैं, सेसाइल मतलब कैसी होती है? चिपकी होती है, ठीक है, चिपकी रहती हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट कह रहा है स्टीम सामान्यतः ब्रांच होते हैं, जो इनकी शाखाएं होती है वो कैसी होती है? ब्रांच होती है, ठीक है, शाखाएं मोनोपोडियल और डायक्टोमोनस होती हैं। मोनोपोडियल और आपकी डायक्टोमोनस जो है देखने को मिल सकती है। मोनोपोडियल की अगर हम बात करें तो मान लो ये क्या है, आपका पौधा है, इस पे कुछ इस तरह की शाखाएं जो है आपको अगर देखोगे यहाँ पर आपका क्या निकला रहेगा? एक बड टाइप निकला रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इनको कहते हैं मोनोपोडियल। डायक्टोमस की अगर हम बात करें तो ये आपकी कुछ इस तरह से होती हैं, तो ये आपकी कुछ इस तरह से रहेंगी इस तरह से, तो इनमें आपकी क्या होती है? ये आपकी कहलाती है डायक्टोमस, ठीक है, तो इस तरह की जो है शाखाएं इनमें पाई जाती हैं। शाखाएं पत्ती की एक्सिस से नहीं निकलती, शाखाएं कहाँ से नहीं निकलती? पत्ती की एक्सिस से, ठीक है, पत्ती के एंगल से। यहाँ मान लो अगर यहाँ पर ये पत्ती है तो यहाँ सर यहाँ से शाखा नहीं निकलेगी, ठीक है, पत्ती की एक्सिस से शाखा नहीं निकलती इनमें, ठीक है, किसमें? टेरिडोफाइट में। कह रहे हैं इनमें जाइलम एवं फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम इनमें नहीं पाया जाता है। कैम्बियम भी आपका क्या होता है? एक टिश्यू होता है, टिश्यू ऊतक होता है, अतः इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इनमें द्वितीयक वृद्धि आपकी नहीं होती है। द्वितीयक वृद्धि आपकी कैम्बियम के माध्यम से होती है, जो कि आपका टिश्यू होता है, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनमें नहीं पाया जाता, और इनमें द्वितीयक वृद्धि आपकी नहीं होती है, ठीक है, किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें इनके लक्षण की, तो कह रहा है इसमें जाइलम में केवल ट्रैकिड्स तथा फ्लोएम में केवल सीप्स ट्यूब होते हैं। जाइलम में आपके क्या होंगे? ट्रैकेट्स, और फ्लोएम में आपके सीप्स ट्यूब होते हैं, ठीक है। ट्रैकेट्स मतलब जो आपका क्या करते हैं? वाटर कंडक्शन करते हैं। ट्रैकेट्स मतलब जो इनका काम क्या होता है? वाटर कंडक्शन करना। वाटर कंडक्टिंग होते हैं ये, ठीक है, मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह आपका ले जाते हैं। और जो आपके फ्लोएम होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन कंडक्ट, ठीक है, फ्लोएम का मतलब काम क्या होता है? भोजन स्थानांतरण, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, बन जहां बना हुआ भोजन वहां से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये जाइलम का कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? कि जड़ जल
जल को जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम के आपके कार्य होते हैं। तो जाइलम में केवल आपका क्या होता है, ट्रैकेट्स, और फ्लोएम में क्या होगा आपका, केवल सीव ट्यूब होंगे। क्या होंगे, सीव ट्यूब्स होंगे, ठीक है, जो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। सेवंथ पॉइंट देखें तो कह रहा है इसमें स्पोर्स द्वारा जनन होता है। इनमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स द्वारा। इसीलिए इसका जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है आपका, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, जो स्पोरेंजिया में बनते हैं। अब ये स्पोर्स आपके कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं, ठीक है। कह रहा है स्पोरेंजिया सामान्यतः पत्तियों की वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं आपके, कौन, स्पोरेंजिया, ठीक है, समझ आ गया। अगर हम बात करें, ये पॉइंट नंबर 8 है आपका, पौधे या तो होमोस्पोरस, होमोस्पोरस मीन्स मान लो 2, 4, 6, ये के होमो मतलब एक समान होंगे, ठीक है, एक आपका सम संख्या कह सकते हैं, या तो आपके होमोस्पोरस होंगे या कैसे होंगे आपके हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस जैसे आपके 3 हो गए, 5 हो गए, तो इस तरह के होते हैं, ठीक है। नो कह रहे हैं स्पोर्स आपका जर्मिनेट होकर क्या करता है, गैमेटोफाइटिक जर्मिनेशन को जन्म कर जन्म देता है, कौन, स्पोर्स क्या होता है, जर्मिनेट होकर या अंकुरित होकर क्या करता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन को जन्म देता है। ये जो स्पोर आपका मान लो क्या है, ये स्पोर है, अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मान लो ये अंकुरित हो गया, क्या हो गया, अंकुरित हो गया, और ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन को जन्म देगा जो प्रोथैलस कहलाती है। क्या कहलाती है, इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस स्टेज कहते हैं। टेन कह रहा है सेक्स ऑर्गेन प्रोथैलस में धसे रहते हैं। अब इसी में आपकी जो प्रोथैलस स्टेज होती है, इसी में आपके जो सेक्स ऑर्गेन है वो धसे रहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गेन एंथीरिडिया तथा आपका फीमेल सेक्स ऑर्गेन क्या होता है, आर्किगोनिया कहलाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गेन एंथीरिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गेन आपका आर्किगोनिया, जो कि आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, उसमें भी यही थे मेल और फीमेल आपके सेक्स ऑर्गेन, ठीक है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 11, कह रहा फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है, निषेचन इसमें जब ही होगा जब यहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जल यहाँ पर आवश्यक होता है निषेचन के लिए, ठीक है, किसके लिए, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होगी। चल कह रहा है इनमें एक टिपिकल हाइड्रोमॉर्फिक, कैसा, टिपिकल हाइड्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, टिपिकल हाइड्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जनरेशन जो है वो अल्टरनेट तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे इनके वर्गीकरण की, ठीक है, क्लासिफिकेशन किसकी, क्या पढ़ रहे हैं हम, टेरिडोफाइटा, क्या टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं। तो स्पोर जो थे वो आपके वैज्ञानिक थे, कौन थे, वैज्ञानिक थे, उसी के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण पूछा गया है। स्पोर 1966 यानी कि 1966 ने रीमर्स द्वारा 1954 में पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए टेरिडोफाइट को 5 सब डिवीजन में बांटा है। किसने, जो आपके स्पोर्न थे, इन्होंने रीमर्स द्वारा 1954 में, रीमर्स ने क्या करा था, रीमर्स नाम का जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1954 में एक क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया था, या क्लासिफिकेशन को, ये क्लासिफिकेशन जो था इन्होंने बनाया था, किन्हें, रीमर ने, कब, 1954 में, इसी को फॉलो करते हुए, इसी को इन्होंने फॉलो किया था 1966 में, ठीक है, और इसी के आधार पर टेरिडोफाइटा को 5 सब डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो आपके स्पोर्न थे, इन्होंने रीमर के ही जो क्लासिफिकेशन था उसी को फॉलो किया है, और उसी के आधार पर 5 जो है सब डिवीजन में टेरिडोफाइटा को बांट दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, पहला भाग क्या होगा, सीलोफाइटोप्सिडा, क्या होगा, सीलोफाइटोप्सिडा, ठीक है, सीलोफाइटोप्सिडा, यह सबसे पुराना समूह है जिसमें फॉसिल प्लांट सम्मिलित हैं। कैसे, जीवाश्म पौधे इसमें आपके सम्मिलित हैं, कौन से पौधे, जीवाश्म पौधे इसमें आपके सम्मिलित हैं, ठीक है, किसमें, सबसे पहला क्या है, सीलोटॉप्सिडा, सीलोफाइटोप्सिडा, ये सबसे पुराना समूह है जिसमें आपके फॉसिल प्लांट्स यानी कि जीवाश्म पौधे भी इसमें आपके शामिल हैं या काउंट किए जाते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है उनको हम देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे पे, विशेषताएं,
स्पोरोफाइटिक होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, राइजोम से राइजोड के गुच्छे का विकास, जो आपके राइजोम होते हैं उनसे राइजोड का विकास होता है। थर्ड कह रहा है डायक्टोमस शाखाएं तने, जो आपके शाखित तने होते हैं वो कैसे होते हैं, डायक्टोमस होते हैं। फोर्थ कह रहा है एक्सियल से केंद्रीय प्रोटोस्टील, ठीक है, एक्सियल से एक्सिस में केंद्रीय प्रोटोस्टील पाया जाता है। फोर्थ फिफ्थ कह रहा है स्पोरेंजिया का शीर्ष पर विकास, स्पोरेंजिया का विकास कहाँ होता है, शीर्ष पर होता है। उदाहरण की बात करें तो राइनिया आ जाता है आपका, साइलोफाइटोन आ जाता है, क्या राइनिया और साइलोफाइटोन, ये किसके एग्जाम्पल है आपके, साइलोफाइटोप्सिडा के, ठीक है, साइलोफाइटोप्सिडा की एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका साइलोटोप्सिडा, क्या है, साइलोटोप्सिडा, इसमें केवल दो जीवित सदस्य पाए जाते हैं, जैसे आपके साइलोटोम, साइलोटोम हो गया, और आपका टी मैसिप टेरीज, ठीक है। तो ये आपके दो जीवित सदस्य इसमें आते हैं आपके साइलोटोम और आपका टी मैसिप टेरीज, ठीक है। तो ये आपको दो याद रखना है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये भी आपके कैसे होते हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये भी आपका कैसे होते हैं, डायक्टोमस होते हैं शाखाओं में, और कैसे होते हैं आपके बाइबीय शाखाओं पर स्केल्स या फ्लो या फॉलिएज लीवों की सजावट, जो आपकी बाइबीय शाखाएं होती हैं, यानी कि जो बाय में आपकी शाखाएं होती हैं उन पर क्या होता है, उन पर स्केल्स या फॉलिएज लीव, स्केल्स यानी कि छोटे छोटे आपको पपड़ी टाइप जो है मिलेंगे, तो इनकी क्या होती है, सजावट होती है। फोर्थ कह रहा है बाई या ट्राइकुलर, बाई या ट्राई लोकुलर स्पोरेंजिया कैसी होगी, बाई या ट्राई, ठीक है, दो सेल वाली या तीन सेल वाली, दो या तीन सेल वाली, ठीक है, दो या तीन सेल वाली जो है आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। और ये कैसे होते हैं आपके होमोस्पोरस होते हैं, कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, स्पोर का फॉर्मेशन जो है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है, यानी कि होमो कंडीशन में होगा। थर्ड अगर हम बात करें तो कह रहा है लाइकोप्सिडा, क्या है आपका, लाइकोप्सिडा, ठीक है, तीसरा विभाजन, इसमें जीवित तथा जीवाश्म रूप के सदस्यों को रखा गया है, जो जीवित है और जीवाश्म, ठीक है, फॉसिल प्लांट्स, इन दोनों के रूपों को, दोनों के सदस्यों को रखा गया है। जीवित सदस्यों में आपका क्या आ जाता है, लाइकोपोडियम आ जाता है आपका, सेला जेनेलिया आ जाता है आपका, ये दोनों आपके किसमें आ जाते हैं, जीवित सदस्यों में, याद रखना है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ठीक है, लाइकोपोडियम और सिनेजिलेला, ये सिनेजिलेला ये आपके जीवित सदस्यों में आते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है, ये भी आपके स्पोरोफाइटिक, पौधों में जड़ तना पत्ती स्पष्ट होती है, इनमें जड़ तना पत्ती आपको स्पष्ट दिखाई देती है, जड़ और तने में डायक्टोमस शाखाएं, ठीक है, डायक्टोमस शाखाएं, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने पढ़ी थी, कुछ इस तरह की शाखाएं जो है आपको देखने को मिलती हैं। थर्ड कह रहा है प्रायः प्रोटोस्टील उपस्थित, प्रोटोस्टील की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जाइलम के चारों ओर जो है एक संरचना बनाते हैं, ठीक है, जाइलम के चारों ओर, प्रोटोस्टील क्या होता है, जाइलम के चारों ओर, ठीक है, एक संरचना जो है बनाता है, और स्पोरेंजिया का विकास लीफ ऑफ एडेक्सियल सतह से होता है, क्या होता है, लीफ ऑफ एडेक्सियल सतह से आपका क्या हो, किसका होता है, स्पोरेंजिया का विकास होता है। होमो या हेट्रोस्पोरस स्थिति इनमें पाई जाती है, होमो या हेट्रोस्पोरस स्थिति जो है इनमें पाई जाती है, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, लाइकोप्सिडा। फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट है आपका स्फेनोप्सिडा, क्या है, स्फेनोप्सिडा, तो इनको आपको एक एक लाइन से, एक एक क्रम से इनको आपको याद रखना है, पांचों की पांचों क्लास को या पांचों वर्गीकरण को, ठीक है, जो पांच भाग है इसके, इस खंड में इक्विसेटम के अतिरिक्त लगभग 18 जीवाश्म शामिल हैं, इक्विसेटम के अलावा लगभग इसमें कितने जीवाश्म शामिल हैं, 18 फॉसिल्स प्लांट जो है इसमें आपके शामिल हैं, किसमें, स्फेनोप्सिडा में, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तने पर लंबवत उभार एवं कटाव उपस्थिति, तने पर क्या होते हैं आपको लंबवत उभार देखने को, जैसे बड लाग देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ये तना है तो इस पर कुछ इस तरह के जो है उभार या बड आपको देखने को मिल सकते हैं।
तने पर गांठें स्पष्ट, और जो आपका तना होता है उस पर कुछ गांठें आपको देखने को मिल सकती हैं। थर्ड कह रहा है गांठों पर चक्रीय विन्यास, छोटी पत्तियां गांठें जो होती हैं आपकी, इन पर आपका क्या होगा चक्रीय विन्यास, कैसा होगा विन्यास, कैसा होगा इनका चक्रीय होगा और छोटी पत्तियां होंगी, ठीक है, विन्यास में छोटी पत्तियां होती हैं चक्रीय विन्यास में, ठीक है, कुछ इस तरह की। कह रहा है प्रोटो या सिफोनो स्टील उपस्थित, या तो इनमें प्रोटो स्टील होता है या सिफेनो स्टील जो है सिफोनो स्टील जो है विकसित होती है। स्पोरेंजिया का विकास स्पोरेंजियोफोर पर होता है, जो आपका स्पोरेंजिया होता है इसका विकास कहाँ होगा स्पोरेंजियोफोर पर होगा, स्पोरेंजिया का विकास स्पोरेंजियोफोर पर होता है। फिफ्थ हमारा है टेरिडोप्सिडा, क्या है टेरिडोप्सिडा, ठीक है। फिफ्थ की हम बात करते हैं टेरोप्सिडा, क्या है पी टी ई आर ओ टेरोप्सिडा, ड टेरोप्सिडा की बात करें तो इसमें 300 जेनेरा, कितने 300 जेनेरा और लगभग आपकी 10,000 प्रजातियों को रखा गया है, जो आपका टेरोप्सिडा है 300 जेनेरा और 10,000 जातियों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। कुछ विशेषताएं हैं इनकी, बहुवार्षिक और आपका स्पोरोफाइटिक पौधा है, बहुवार्षिक यानी कि बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला, और स्पोरोफाइट्स का इसमें फॉर्मेशन होता है, ये ऐसा पौधा है। दूसरा नमीयुक्त छायादार भूमि पर उगते हैं, कहाँ उगते हैं नमीयुक्त और छायादार भूमि पर, ये आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड कह रहा है अधिकांश पौधों में राइजोम उपस्थित होता है, इनमें क्या होता है राइजोम जो है प्रेजेंट रहता है। फोर्थ कह रहा है रैकिस, रैकिस पर रेमिंटा उपस्थित, जो आपके रैकिस होते हैं उन पर रेमिंटा पाया जाता है। और सिट्रिनेटली क्या है सर्सिनेटली कुंडलित नई पत्तियां, सर्सिनेटली कुंडलित नई पत्तियां इस पर आपकी पाई जाएंगी। सिक्स कह रहा है सोरी में स्पोरेंजिया का विकास, इसमें स्पोरेंजिया का विकास कहाँ होगा आपका सोरी में, और कई कशाबों वाले नर युग्मक का विकास, उदाहरण आपका फर्न हो जाएगा और एजोला हो जाएगा, क्या कई कशाभिकाओं कशाभिकों वाले नर युग्मक, कशाभिकाएं मतलब जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं कुछ इस तरह की संरचनाएं, जो क्या करती हैं उसको गति या प्रदान करती हैं, ठीक है, जिसमें भी ये कशाभिकाएं पाई जाती है फ्लैजिला जिसे कहते हैं, तो ये क्या करती हैं उसको गति करने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये किसकी बात है फर्न और एजोला, किसके उदाहरण आपके टेरोप्सिडा के, ठीक है टेरोप्सिडा के। तो अब हमने जाना था जो आपका अगला क्वेश्चन था टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण हमने पढ़े थे, और इसको स्पोर्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, उन सभी वर्गीकृत में इसकी जो जातियां थी उनको हमने एक एक करके पढ़ा था। आई होप कि आपको टेरिप्सिडा जो है टेरिडोफाइटा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बन रही है हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।